चार घंटों से बस और बड़ा मजा आ रहा है। और फिर जब मैं जब ये गिरी होकर आई तो मैंने गाया समंदर कुछ नहीं किया, जो पतली कमर है जो मैंने उसकी मजे उठाया तो हाँ बड़ा मजा आया। ये तप नहीं था, ये अलग टाइप का तप था। अच्छा हम देख रहे हैं कि दोनों माए वेद को बचाने के लिए वेद को बचाने के लिए हाँ जो 100% दे रही है, तो इस इंटरेस्टिंग तप के बारे में बताया तो उन्हें सीरियस नोट वाला पुजारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो वेल है कुआ है उसमें से पानी खड़े जो मटका है उसमें छेद वाला मटका है उसमें ये हम दोनों ने मिलकर एक शिवलिंग बनाया है, तो वो वहाँ पे जाके पानी हमें बेसिकली शिवलिंग पर हमें वो पानी चढ़ाना है और जो एक बार हमें करना है, तो जस्ट बिकॉज अभी भूमि जो लास्ट वाला टास्क था जो तपस्या थी पूरी नहीं कर पाई, उसने पेन की वजह से गिव अप कर दिया, तो वो थोड़ा एम्बैरेसमेंट में है और उसे कैसे भी करके ये वाला जो तप है उसे जीतना है, तो अभी फिलहाल वो कॉम्पिटिशन में है कि मुझे 101 बार पहले करना ख़त्म करना है। बट उस बीच में वेदिका जी के साथ कुछ होता है तो आप हाँ निशा ने कुछ जैसा वो हमेशा कुछ करते थे मुझे एक इल्यूशन होने लगता है कि मेरा बेटा भी उधर लटका हुआ है सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, तो मैं मटका छोड़ लेती हूँ, मैं एकदम चली जाती हूँ उसको बचाने के लिए और बोलने के लिए, और मुझे एक सेकंड में दिखता है कि भगवान नहीं है। तो दिस इज़ द इल्यूशन दैट बेसिकली निशा हैज़ क्रिएटेड। निशा का तो यही है कि वो भूमि और वेदिका में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा हाँ, और वो अगर मैं वापस इसमें जीत जाती तो 1-to-1 नहीं हो पाता, तो अब भूमि को जीतना ही था इसमें। अच्छा इसमें दोनों माए भी आमने सामने और दोनों बहनें भी आमने सामने हैं, कितना मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है। बेटा तो वो मेरा है, मैंने पैदा किया, पाला तो मैंने है ना, तू नहीं तो कोई और पाल लेता। कोई नहीं चाहिए कितना इंटरेस्टिंग हम दोनों को हग कर देना एक बार।